तो चलिए प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आपका देने वाला हूँ। तो यदि आप जानते हैं कि आपका एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी हो चुका है और आप यहाँ पे आए हैं इस चैप्टर के सोल्यूशन के लिए, तो आपको इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिलेगा। चैप्टर आपका जो है लेसन 5 है, इसके हर एक क्वेश्चन के आपको आज के इस वीडियो में आंसर बताने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पे पूरे के पूरे आपको बहुत ही सटीक आंसर मिलेंगे और आप इस प्रकार से भरकर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। तो पूरे 12 के 12 क्वेश्चन हैं, सभी के आंसर आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए, सही विकल्प वाले क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं और पहला क्वेश्चन लिखा है समवन वैकेंट सीट वेयर अवेलेबल इन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो सीट था कैसा अवेलेबल था, तो स्लीपर कोच था या फिर एसी कोच या फिर जनरल कोच। जनरल यानी सामान्य डिब्बा, एसी तो आप जानते ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे एसी कोच करना है। इसके बाद देखिए, सेकेंड क्वेश्चन लिखा है द यंग मैन कोट वाज, यानी कि जो आपका यंग मैन था वहाँ पे जो है उसका कोट कैसा था, टर्न एंड डर्टी था, तो आपको बताना क्या उसका गंदा था, लॉन्ग एंड क्या उसका नया था, या फिर आपका उसका टाइट और शॉर्ट था, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आंसर की बात करूँ तो आंसर आपको यहाँ पे टाइट एंड शॉर्ट आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर आता है और आपको इसमें वन वर्ड में ही आपको लिखना है, एक या दो शब्दों में। तो देखिए, बहुत सिंपल आपको यहाँ पे आंसर इसके मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एक या दो शब्दों में लिखे। क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मैनी पैसेंजर्स स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आपके यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके जो क्या थे पैसेंजर थे, तो क्या उन्होंने पढ़ना यहाँ पे बंद कर दिया था। देखिए, टू ऑफ द पैसेंजर स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कितने, तो हाउ मैनी पैसेंजर, कितने यहाँ पे यात्री थे जो न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद कर दिए थे। तो आंसर आपको टू ऑफ द न्यूज़पेपर क्या है पैसेंजर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके जो है दो ऐसे यात्री थे जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद किया। क्वेश्चन देखिए आपका चौथा दिया है, वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। अब देखिए, सिंपल सी बात है, बोल ये रहा है कि यहाँ पे जो विनोद था कहाँ ट्रेवल करने का निर्णय लिया, तो आपका सिंपल सी बात है क्योंकि खाली तो था नहीं सीट, तो यहाँ पे उसने लास्ट में ट्रेवल कहाँ किया, एसी कोच में। तो आपको आंसर यहाँ पे एसी कोच करना है। पूरा आंसर आप इसी प्रकार से कर दीजिए। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आता है आपका पांचवा। पांचवा क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी, देखिए हाउ वाज द यंग मैन सूट केस। तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आंसर लिखना है द यंग मैन सूट केस वाज, इसके बाद वन आउट आपको लिख देना है। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और यहाँ पे हमारे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले हर एक लेसन का आंसर मिल सके और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विनोद हैड कम टू भोपाल ऑन। अब देखिए, सिंपल सी आंसर है, यहाँ पे विनोद जो था कम टू भोपाल किससे, यानी भोपाल किससे आया था, तो आपको लिख देना है ट्रेन के माध्यम से आया था, यानी बाई ऑन ट्रेन कर देना है, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर आएगा। शॉर्ट आंसर में आपको यहाँ पे एक ही से दो वाक्यों में इनका आंसर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है हाउ डिड द अदर पैसेंजर अपील इन द कोच, है ना? तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, देखिए द अदर पैसेंजर इन द कोच टू बी रिच बिजनेसमैन। आपको आंसर इसी प्रकार से करना है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला मिलेगा, क्वेश्चन आठवां। क्वेश्चन आठवां में लिखा है व्हाट डिड द विनोद नोटिस, यहाँ पे विनोद ने क्या नोटिस किया, तो विनोद नोटिस्ड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, यानी उस पर क्या है बहुत भीड़ था, तभी तो वो एसी कोच में गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 नंबर का आएगा, व्हेन डिड द टीटी अफेयर। तो आंसर देखिए, व्हेन टीटी अफेयर्ड विनोद हेल्ड आउट ऑफ द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस, है ना?
जब आप देखिए टीटी से आप बात करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप जो है पे करके बच सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, अपील ऐसे किया जाता है। इसके बाद देखिए अपीयर, और क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया ना, क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, तो 9 नंबर भी आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 10वां नंबर, तो 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया है, डिड द यंग मैन हैव द वैलिड टिकट। तो क्या यंग मैन के पास यहाँ पे वैलिड टिकट था? तो नो, द यंग मैन डिड नॉट हैव द वैलिड टिकट, उसके पास जो है यहाँ पे मान टिकट नहीं था। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर आएगा। अब अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूँ तो लॉन्ग आंसर यानी आपको जो है 4 से 5 यहाँ पे वाक्यों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर हम आपको यहाँ पे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपको 5 से 7 वाक्यों में इनके आंसर करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए 11th में लिखा है, वाई वॉज द विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन एन एसी कोच। तो आपको आंसर देखिए बहुत आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से सुनना है, को आंसर लिख दीजिए बिकॉज आ पुअरली ड्रेसेस यंग, जो देखिए आपका यंग मैन था ना, तो यहाँ पे क्या था, पुअर यानी गरीब टाइप का यहाँ पे लग रहा था, और बी था बॉर्न आउट सूट केस जम्प्ड इन द एंड शॉट डाउन आफ्टर सेइंग द यंग मैन विनोद बाज सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे उसके देखकर क्या हुआ, जंप करके चला गया है, ठीक है, उतर गया, तो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको आंसर मिल गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका 12वां, तो 12वां क्वेश्चन आप क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द यंग मैन इन योर वर्ड, उस यंग मैन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए सिंपल सा आंसर करना है, द यंग मैन बाज इन पुअरली ड्रेसेस विद द वार्म आउट सूट केस द यंग मैन कोट वाज टाइटली एंड शॉर्ट एंड द वेट। यहाँ पे जो है क्या है, टाइट कपड़े पहना था उसने, है ना, और शॉर्ट यानी छोटे कपड़े पहन था, सूट केस भी रखा हुआ था, और यहाँ पे टीटी को देखता है तो क्या है, कूद कर चला जाता है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर पूरा करना है। तो क्वेश्चन देखिए 12वीं का आंसर आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे ये आपका 11वीं का आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा, क्वेश्चन 10वां तो हो गया है, ये आपका 9 नंबर का आंसर, पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पे 8वां मिल जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा 7वां, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7वें का आंसर कर लीजिए, और 7वें के आंसर के बाद आपको यहाँ पे ये 6ठे का आंसर, और आपका ये 5वां, चौथा, तीसरा, और आपका ये दूसरा और पहले का आंसर। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर लेसन 5 के दे दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट लेसन में। अगर तुम्हें तो वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,60,000 लाइक। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब